एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द थर्ड आई में, और आज का विषय है 10 जानवर जो अब विलुप्त हो चुके हैं। और दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और घंटी बजाना नहीं भूलिएगा। जानवरों का विलुप्त होना प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि जलवायु के गर्म होने या ठंडा होने या समुद्र के स्तर में बदलाव के कारण हो सकता है। हालांकि अधिक आधुनिक समय में मानवीय गतिविधि को दोष दिया जाता है। जैसे जैसे कृषि भूमि का विस्तार होता है और जंगलों को काटा जाता है, पर्यावरण का विनाश, प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों की शुरुआत और मछली पकड़ने या शिकार में आधुनिकीकरण तथा ज्यादा शिकार करना विलुप्त होने का मुख्य कारण है। हालांकि तेजी से जलवायु परिवर्तन का विलुप्त होने का कारण माना जाता है। पश्चिमी अफ्रीकी काला गैंडा अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की ओर से कई देशों में पाया गया है। एक अनुमान के अनुसार 3 से 4.25 मीटर लंबे और 1.5 से 2.25 मीटर ऊंचे इस गैंडे का वजन 800 से 1300 किलोग्राम रहा होगा। इसके दो सिंग थे, एक का माप 0.5 से 1.25 मीटर और दूसरा 2 से 55 सेंटीमीटर के बीच था। उनके आहार पत्तेदार पौधे और अंकुर शामिल थे। कुछ का मानना है कि उनके सींगों में औषधीय गुण थे, हालांकि वैज्ञानिक तथ्य में इसका कोई आधार नहीं था, जिससे भारी अवैध शिकार होता है। 1930 में प्रिजर्वेशन एक्शन के लिए कार्रवाई की गई, लेकिन संख्या में गिरावट जारी रही। आखिर पश्चिमी अफ्रीकी ब्लैक राइनो 2006 में कैमरून में देखा गया था और इसे 2011 में आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित किया गया। 9 नंबर, YG व्हाइट डॉल्फिन, जिसे चीनी नदी डॉल्फिन भी कहा जाता है, केवल चीन में यांगत्जी नदी में पाई जा सकती है। ये स्तनधारी 8 फीट लंबे और 1/4 टन वजन तक बढ़ सकते थे। वे अपनी छोटी आंख और बहुत खराब दृष्टि के कारण शिकार के लिए नेविगेट करने और शिकार करने के लिए एलोकेशन पर निर्भर थे। यांगत्जी में 20 मिलियन वर्षों तक रहते हुए 1950 के दशक के बाद से उसकी संख्या में भारी गिरावट आई। जैसे जैसे चीन का औद्योगिकरण हुआ, नदी का उपयोग मछली पकड़ने, परिवहन और जल विद्युत के लिए किया गया, जिसका स्तनधारियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हालांकि आधिकारिक तौर पर विलुप्त होने के रूप में दर्ज नहीं किया गया। 2002 के बाद से किसी ने यांगत्जी नदी डॉल्फिन को नहीं देखा। पायरेनियन आइबेक्स, पायरेनियन आइबेक्स स्पेनिश आइबेक्स या इवेरियन बकरी की 4 उप प्रजातियाँ में से एक, जो इवेरियन पेनिनसुला में पाई गई थी। आइबेक्स 60 से 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 24 से 80 किलोग्राम वजन होता होगा और मुख्य रूप से घास और जड़ी बूटियां खाती थी। माना जाता है कि ऐतिहासिक रूप से उनकी संख्या 50,000 थी, लेकिन 1900 की शुरुआत तक इसकी संख्या 100 से भी कम हो गई थी। पायरेनियन आइबेक्स के विलुप्त होने का सही कारण अज्ञात है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अवैध शिकार और भोजन और आवास के लिए अन्य स्तनधारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थता है। 2000 में उत्तरी स्पेन में गिरने वाले पेड़ से आखिरी पायरेनियन आइबेक्स की मौत हो गई थी। 7वां, यात्री कबूतर। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी यात्री या जंगली कबूतर 20वीं शताब्दी की शुरुआत से विलुप्त हो गए। यह अनुमान लगाया गया है जब यूरोपियन उत्तरी अमेरिका पहुंचे तो 3 से 5 अरब यात्री कबूतर अमेरिका में रहते थे, लेकिन उनके बसने से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई, जिसका परिणाम स्वरूप निवास स्थान का नुकसान हुआ और पक्षियों की आबादी में कमी आई। 19वीं शताब्दी तक कबूतरों के मांस गरीबों के लिए सस्ते भोजन के रूप में व्यवसायीकरण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर शिकार किया गया और लगभग 1900 यात्री कबूतर 1914 में जंगल में मर गए। तस्मानियाई बाघ, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनी के मूल निवासी तस्मानियाई बाघ एक बड़ा मांसाहारी दल था। बाघों से संबंधित नहीं, ये जीव मध्य से बड़े आकार के कुत्ते की आकार का था। इसका वजन 30 किलोग्राम था। इसकी नाक से पूंछ की लंबाई लगभग 2 मीटर थी, लेकिन गहरे रंग की धारियां ने इसे बाघ जैसा रूप दिया। ऐसा माना जाता है कि इसे विलुप्त होने के लिए शिकार किया गया था। आखिरी जंगली तस्मानियाई बाघ 1910 और 1920 के बीच मारा गया था। आखिरी बंदी 1936 में तस्मानिया के होवर्ड चिड़ियाघर में मर गया था। स्टेलर सी काऊ, स्टेलर सी काऊ
1741 में जीव की खोज करने वाले एक प्राकृतिकवादी नेचुरलिस्ट जॉर्ज स्टेलर के नाम पर है। स्टेलर सी काउ एक बड़ा शाकाहारी स्तनपायी था। ऐसा माना जाता है कि स्टेलर सी काउ जो कम से कम 8 से 9 मीटर तक बढ़ती थी, जिसका वजन लगभग 8 से 10 टन था। अलास्का के दक्षिण पश्चिमी में और बेरिंग सागर में कमांडर द्वीपों में बसा हुआ था। यह माना जाता है कि स्तनपायी वश में था और अपना अधिकांश समय केल्प खाने में बिताता था और इसका अपने विशाल शरीर को जलमग्न करने में असमर्थ था, जिसके कारण मानव शिकारियों के लिए असुरक्षित बना दिया। यूरोपीय लोगों द्वारा खोज के 27 वर्ष के भीतर स्टेलर सी काउ को विलुप्त होने के लिए शिकार किया गया था। ग्रेट ऑक उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी स्पेन के दक्षिण में पाया जाने वाला एक बड़ा और उड़ानहीन जो उड़ नहीं सकता था पक्षी। इसकी औसत ऊंचाई 75 से 85 सेंटीमीटर और वजन लगभग 5 किलो था। ग्रेट ऑक एक शक्तिशाली तैराक था, जिससे उसे भोजन के लिए पानी के नीचे शिकार करने में मदद करता था। ऑक्स की आखिरी कॉलोनी एलर्ट द्वीप पर रहती थी और 1835 तक वे सभी मारे जा चुके थे। इन पक्षियों में से आखिरी 1844 में स्कॉटलैंड के सेंट किल्डा में पकड़ने वाले 3 लोग ने मार डाला था। डोडो एक विलुप्त उड़ान रहित पक्षी जो मॉरिशस में रहता था। डोडो लगभग 1 मीटर लंबा तथा उसका वजन 10 से 18 किलोग्राम हो सकता था। डोडो की उपस्थिति अनसुलझी बनी हुई है। यह माना जाता है कि प्रचुर मात्रा में खाद्य स्रोत, बीज, जड़े और गिरे हुए फल की उपलब्धता और शिकारियों के द्वारा शिकार करना विलुप्त होने का कारण है। डच नाविकों ने पहली बार 1558 में डोडो का उल्लेख दर्ज किया था। डोडो का अंतिम रूप का दर्शन 1662 में हुआ था। उली मैमथ एक विशाल स्तनपायी जिसे आधुनिक समय के हाथी से निकटता से संबंधित माना जाता है। इसके पूर्वज लगभग 3.5 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका से उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में फैले हुए थे। जीव 4 मीटर से अधिक लंबा था और इसका वजन 6 टन से अधिक हो सकता था। वे फर से ढके होते थे और उनके घुमावदार दांत आसानी से 5 मीटर तक लंबे हो सकते थे। वूली मैमथ 10,000 पहले मनुष्यों के द्वारा शिकार एवं जलवायु परिवर्तन के कारण गायब हो गए। माना जाता है कि उली मैमथ की अंतिम आबादी आर्टिक महासागर में रेंगल द्वीप से लगभग 1700 BC में गायब हो गई थी। सेवरेट टूथ कैट या सेवरेट टूथ टाइगर कहा जाता है 55 मिलियन से 11,700 साल पहले मौजूद थे। सेवरेट टूथ कैट मांसाहारी थे, जिनका नाम लंबी ब्लेड जैसी कैनाइन दांतों के लिए रखा गया था, जो कुछ प्रजातियों में 50 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे। देखने में भालू की तरह थे, उन्हें उत्कृष्ट शिकारी माना जाता है। स्लॉथ और मैमथ जैसे शिकार करने वाले जानवर माना जाता था। ये बिल्ली 120 डिग्री के कोण तक अपने जबड़े खोल सकते थे, जो अभी के शेर से लगभग 2 गुना चौड़ा है। ऐसा माना जाता है कि सेवर टूथ कैट के विलुप्त होने का मुख्य कारण शिकार किए गए बड़े शाकाहारी जीवों के पतन और विलुप्त होने से जोड़ा जा सकता है।